आजकल की इस दौड़ती भागती जिंदगी में हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जरूरत से ज़्यादा सोचना। हालांकि यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किस बात को ज़्यादा महत्व देते हैं। कुछ लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि जरूरत से ज़्यादा सोचना हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसी के कारण आपके बाकी के काम बिगड़ सकते हैं और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक इस तरह की आदत डिप्रेशन का कारण बन सकती है। तो चलिए ज़्यादा सोचने के नुकसान के बारे में जानते हैं। हर समय नकारात्मक विचार रखने से आप कुछ समय बाद डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी बारे में सोचने से मन की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, उसकी जगह निगेटिव एनर्जी ले लेती है। यह धीरे धीरे मानसिक रूप से व्यक्ति को बीमार कर देता है। इसका कारण वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने मन की बातों को किसी न किसी से शेयर जरूर करें। कई बार अपनी ज़्यादा सोचने की आदत के कारण व्यक्ति लोगों से दूर भागने लगता है। इसका कारण कई बार वह सोशल एंजाइटी का भी शिकार हो जाते हैं। आप जाने अनजाने लोगों से दूर भागने लगते हैं और इससे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने पर हम अपना कीमती समय बर्बाद करने लगते हैं। आपके काम करने की क्षमता पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण आप अपने जीवन के बहुत से अच्छे मौके को खो देते हैं। यह आपके सोचने समझने की ताकत पर भी बहुत बुरी तरह प्रभाव डालता है। ज़्यादा सोचने की आदत के कारण आपके काम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। यह आपके भूख लगने और नींद के चक्र पर भी बुरा प्रभाव डालता है। यह आपके रिश्तेदार को भी खराब कर सकता है। कोशिश करें कि आज ही यह ज़्यादा सोचने की आदत को छोड़ें। बीती बातों को याद करके दुखी ना हों, अपने आप को व्यस्त रखें, आज को करें सेलिब्रेट, निगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारी YouTube चैनल और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें अभय के राजपूत।